जी बिल्कुल, ये सब्र और संयम जो लगातार 17 दिन से तमाम परिवारजन अपने साथ लिए बैठे थे, थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। मैं आपको प्रोसेस अगर बताऊं प्रशांत, तो ये पाइप बिछ जाने के बाद डीमकिंग का एक प्रोसेस होता है, यानी कि पूरे पाइप से मलबा हटाने का एक काम होता है, जिसमें तकरीबन 2 घंटे का समय जो है वो लग सकता है, जो पहले हमें एस्टिमेट बताया गया था। इसके साथ ही अलग बात करें कि उसके बाद जब NDRF इसके अंदर जाएगी, वो एक एक मजदूर को निकालने के लिए एस्टिमेटेड हम लगातार बता रहे हैं कि 2.5 मिनट से लेकर 4 मिनट तक का ये समय लगता है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब ये सब लोग बाहर आ जाएंगे, इनको थोड़ी देर जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बना है वहाँ पर रखा जाएगा, डॉक्टर्स इनको जांचेंगे, इनके BP जो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक टेस्ट होते हैं, जिनसे ये मालूम चल जाएगी क्या किसी को पहले इमरजेंसी में निकालने की ज़रूरत है। और उसके लिए यहाँ पर पूरी एम्बुलेंसेज तैनात है, जो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एम्बुलेंसेज जो 3 तरीके की हैं, बिल्कुल बेसिक जिनमें ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, दूसरी लाइफ सपोर्ट वाली, एडवांस सपोर्ट वाली और जिनके साथ क्रिटिकल मरीजों को भेजा जाता है, और तीसरी कार्डियक एडवांस सपोर्ट वाली, जिसमें अगर किसी को दिल से जुड़ी, इस तरीके की कार्डियक से जुड़ी कोई ऐसा लगता है कि कोई कमजोरी हो रही है, बीमारी हो रही है, उसको स्पेशल एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा। 3 तरीके की ये एम्बुलेंसेज हैं। ये प्रोसेस जो है, ब्रेक थ्रू जो है, जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा किया जा रहा था, 57 मीटर का वो ब्रेक थ्रू, उसको हम 58 मीटर पर उस पर पहुँच गए हैं, तो वो ब्रेक थ्रू हो चुका है, यानी कि पाइप जो है वो मलबे के पार हो चुका है। लेकिन मलबे के पार बनकर वो पैसेज एक सेफ पैक पे से जो एक पूरा पैसेज बनेगा, जिससे लोग उससे अंदर से बाहर आ पाए, वो समय ले रहा है, और वो समय लेगा क्योंकि अभी डीमकिंग का काम होना है। आप देखिए कि लेबर हाथ से जो पूरा मलबा निकाल रहा है उसको तस्तरियों में भर के बाहर की तरफ कर रहा है। पूरी टनल है ऐसी अब तकरीबन 55-57 मिनट की ये टनल है, जिसको मीटर्स की टनल है, जिसको पूरा साफ करें तो 2 घंटे का समय तो तकरीबन उसमें लगना है, और उसके बाद एक एक मजदूर पर आप मानकर चलिए कि SDRF NDRF के जवान का 4-4 मिनट लगना, तो एवरेज जो है वो अभी समय बढ़ा रहा है। लेकिन जो पहली खुशखबरी थी ब्रेक थ्रू की, वो पहुँच गई है। तमाम जो परिवार वाले हैं उनको अंदर बुला लिया गया है, जो साफ तौर पर यह बताता है कि इंतजार थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन आज ही सब्र का फल भी मिलेगा। लगातार अंदर पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के CM है, जनरल VK सिंह, जो कि MOS मिनिस्टर है, रोड हाईवे और ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसके सब अंदर बैठे हुए हैं। सब वहां से देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बड़ी खबर भी है, इस वक्त की अहम खबर भी है कि जो मजदूर अंदर 41 फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, अब उनके परिजनों को यहां पर भीतर टनल में भी बुलाया जा रहा है। यानी जो अस्थाई अस्पताल बनाया गया है, जहां 8 बेड का एक अस्पताल एक्सटेंड करके रखा गया है, यहां पर भी अब टनल में मजदूरों के परिजनों को बुला लिया गया है, ताकि जैसे ही वो एक एक कर बाहर आएंगे तो उनकी उनसे मुलाकात हो सके, आश्वस्त हो सके कि उनके अपने परिवार के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। और ये एक सबसे खास और अहम खबर भी है, लेकिन यही वो परिजन है जो लगातार पिछले 17 दिनों से टकटकी लगाए हुए इस टनल के बाहर आंखें गड़ाए हुए, धड़कने थामे हुए बैठे हुए थे कि कब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी मिलेगी। आज आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है, वो वक्त नजदीक आ गया है जब अपने परिवार के सदस्य से वो मिल पाएंगे। अब तक के आंखों में नमी थी, क्योंकि एक बड़ी विपदा थी, क्योंकि जान आफत में फंसी हुई थी। आज एक बार फिर आंखें नम हैं, लेकिन आंखों में ये खुशी के आंसू हैं। ऐसे ही खुशी के आंसू बहाते हुए हमारी सहयोगी ने एक परिजन से, एक परिवार के सदस्य से बात की। क्या जुबान पर उनके इस वक्त आ रहा है, आप भी जरा गौर से सुनिए। चौधरी जी हैं, चौधरी जी से पहले भी हम आपकी मुलाकात करा चुके हैं, बेटा मंजीत है, आज तो खुशी के आंसू हैं। जी 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 बिल्कुल खुशी के आंसू हैं, हमने तो सारे सुख धारण कर लिए, सारे सुख धारण कर लिए, आज तो जैकेट में बिल्कुल तैयार होके जा रहे हैं बेटे को लेने। जी जी जी, क्या क्या आज सामान वगैरह सब पैक कर लिया है? हाँ जी, उनके कपड़े थे जो यहाँ काम करते थे, वही कपड़े जो खुद थे वही बैग में उनके हैं हमारे पास। अच्छा, तो एम्बुलेंस में आप ही जाएंगे साथ? जी जी, हम तो जाएंगे। ये उनके परिवार के सदस्य हैं जो कह रहे हैं कि आज उन्हें लगता यूं है मानो जिंदगी के सारे सुख मिल गए हों। ये वही देवभूमि है उत्तराखंड की, जहां 4 धाम की यात्रा के लिए लोग पहुंचते हैं, और परिवार के ये वो सदस्य हैं, ये वो कह रहे हैं कि आज जैसे उन्हें सारे धाम की खुशियां, सारे धाम के दर्शन की अनुभूति आज यहां महसूस हो रही है, आंखें उनकी नम है, क्योंकि वाकई उनके दिल की इस स्थिति को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उनके दिल पर क्या गुजर रही है
सिर्फ वो जानते हैं, उनके परिजन जानते हैं। और ऐसे में अब जो एक ताजा खबर आ रही है, ताजा अपडेट आ रही है, वो ये कि इस ऑपरेशन को लगभग अपने अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया है और इसके लिए एक्सपर्ट्स की टीम टनल के भीतर दाखिल हो चुकी है। जो हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बनाया गया था उसको कुछ और बड़ा किया गया है ताकि जो 17 दिनों से सूरज की रोशनी अब तक नहीं देख पाए हैं उन्हें वहां सांत्वना दी जा सके, ढांढस बंधाया जाए, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि आप पूरी तरीके से महफूज बाहर आए हैं। क्योंकि ना सिर्फ ये एक बेहद आश्चर्यजनक और सुख और दुख का एक संयोग से जुड़ा हुआ लम्हा उन परिजनों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी खुद जान 17 दिनों से इस टनल में फंसी हुई है क्योंकि उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। और ऐसे में किस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, अब इसमें अथॉरिटीज का ये कहना है, जो जिम्मेदार संस्था इसमें काम कर रही है उनका ये कहना है कि कोई भी प्री मिच्योर वो एक्शन नहीं लेना चाहते। ऐसे में जबकि वो जीत के बेहद करीब हैं, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि जरा सी चूक भारी पड़ जाए और जो 41 मजदूर 17 दिन से फंसे हुए हैं उनके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो। किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है ये भी आप सुनिए। एक पाइप और वेल्डिंग होना है उसमें हमारा थ्रू होगा। अच्छा, हाउ मच टाइम? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ। और खास बात यह है कि इसमें हर उन संस्थाओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, ऑर्गेनाइजेशन ने जिनको यहाँ जिम्मेदारी मिली थी। डॉक्टर नीरज भी इसकी जानकारी लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। नोडल ऑफिसर है यहाँ के, तमाम उन संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है, एक्सपर्ट्स की मौजूदगी है। इस ऑपरेशन के बारे में अब तक 17 दिन का क्या डेवलपमेंट है आधिकारिक संस्थाओं के द्वारा इसकी भी जानकारी दी गई। जो हमारा पाइप इतना जा चुका है उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है, तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो NDRF और SDRF, जो हमारे स्टेट की टीम है SDRF की और नेशनल की NDRF की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ NDRF के उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेस, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग। तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान तैयार है। जैसे अगर होता है तो दे टीम इज कम्प्लीटली रेडी। NDRF और SDRF के जवानों का एक जॉइंट ऑपरेशन जो अपने अंतिम चरण में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई देगा, जो टनल के भीतर दाखिल भी हो गए। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, आपकी तो बातचीत भी हुई है ऐसे लोगों से जो इस मिशन में लगे हुए थे, किस तरह का रिएक्शन, क्योंकि कुछ परिजन तो आपके नजदीक से ही होकर के अब भीतर दाखिल भी हो रहे हैं जिन्हें बाहर ही रोक दिया गया था अब तक। जी बिल्कुल, और जो सिर्फ बातचीत करने के लिए जाते थे, ये रास्ता परिजनों के लिए भी नया नहीं है, लेकिन आज जब वो गए हैं तो जाहिर तौर पर एक अलग मैं कहूँ अलग भावना के साथ गए हैं। और आज पता था कि अब जब अंदर जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद बाहर ही आएंगे। मैं हालांकि 2 बार इनसे बात करा चुकी हूँ, लेकिन जयमल नेगी जी हमारे साथ हैं और मैं इसलिए बार बार इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि इनके भाई ने बहुत पॉजिटिव भूमिका अंदर निभाई है। गब्बर सिंह नेगी के भाई जो कि सुपरवाइजर, जिन्होंने सबका मनोबल अंदर बढ़ाया है। सर, अंदर से बाहर अभी आप आ गए हैं तो जरा बता दीजिए मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है। नहीं, इंतजार तो बहुत, इंतजार की एक एक पल जो है बहुत कठिन होता है काटना। हाँ। और यही मेरे साथ हो रहा है। हम जो है सुबह से ही व्यग्र हो रहे हैं। हाँ। और इसमें खुशी की घड़ी तो है ही है, तो मैं जल्दी इंतजार कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी भरत मिलाप हो जाए। भरत मिलाप हो जाए तो घर वालों के फोन आ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं आपसे अपडेट। लगातार फोन आ रहे हैं, कितनी देर में निकलेंगे, क्या कठिनाई आ गई है। हाँ। तो मैं उनको लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, जो है इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो गई हैं।
चलिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई और ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारत मिलाप होगा। अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं यहाँ तकरीबन हर एक दिन, हर रोज हमने इनको सुबह देखा है नए हौसले के साथ, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, जो हमें भी हौसला देती थी कि आज कुछ पॉजिटिव होगा। और आज हंसते मुस्कुराते ये यहाँ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं बस थोड़ा इंतजार है, फिर राम भारत का मिलाप भी यहाँ होगा। और यही इसी तरीके की पॉजिटिव फीलिंग्स तमाम जो यहाँ आज परिजन अंदर गए हैं अपना सामान लेकर, उन सभी के मन में चल रही है। प्रशांत, बिल्कुल, आज यहाँ जिंदगी जीत गई और बस विजय के आधिकारिक ऐलान का बस इंतजार है। लेकिन बहुत से सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि ये सिर्फ इकलौता टनल नहीं है, हालांकि ये टनल बेहद खास है क्योंकि इसे ऑल वेदर चारधाम यात्रा परियोजना के तहत बनाया जा रहा था। तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता ये बहुत छोटा होने वाला है। जब बहुत विषम परिस्थिति होती है, ठंड का दिन हो या फिर बरसात का, बारिश का मौसम हो, ऐसे में यहाँ रास्तों पर एक बड़ी दिक्कत आती थी और इसीलिए इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन ये इकलौता टनल नहीं है, देश भर में बहुत से टनल बन रहे हैं। लेकिन इस आपदा की घड़ी से क्या सिर्फ हम जीत कर बाहर निकले हैं या हमने कुछ सबक भी लिया है?